आज हम बेसन ब्रेड पकौड़ा बना रहे हैं, जिसके लिए उबला हुआ आलू, 2 चम्मच लहसुन अदरक मिर्ची का पेस्ट और धनिया पत्ता लिए। अब सरसों तेल में मिर्ची लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और 1 छोटा चम्मच हल्दी डालकर इसे मिला लेंगे। मसाले भून जाने के बाद इसमें उबला हुआ आलू और स्वाद अनुसार नमक डालकर इसे मैश करके भून लेंगे। इसके बाद इसमें कटा हुआ हरा धनिया मिलाएंगे और यह आलू मसाला तैयार है। अब बेसन में 1 छोटा चम्मच हल्दी, स्वाद अनुसार नमक, 1 चुटकी खाने वाला सोडा और धनिया पत्ता मिला लेंगे। अब इसमें पानी डालकर इसका घोल बना लेंगे। ब्रेड को 20 से 3 कोना काट लेंगे और एक ब्रेड पर आलू चिपकाकर उस पर दूसरा ब्रेड चिपका देंगे। अब इस ब्रेड को बेसन के घोल में अच्छी तरह डुबाकर इसे रिफाइंड तेल में छान लेंगे। और ये हमारा बेसन ब्रेड पकौड़ा बनके तैयार है।